हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम इंस्टेंट तरीके से बनने वाली विंटर स्पेशल बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बनाने के लिए हमने ले लिया है सामग्री, ले लिया तिल, ले लिया पिंड खजूर, ले लिए हैं और हमने ले लिया नारियल बूरा, मिल्क पाउडर और थोड़ी सी हमने ले लिया है पिसी हुई चीनी ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमने डाल दिया एक जार में पिंड खजूर को, डाल देंगे इसके बीज निकाल के, और ये हमने तिल लिए थे, एक कप तिल लिए थे तो उसको भी हमने डाल के थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। ये रोस्टेड वाले तिल है तो देख सकते हैं तिल हमारे अच्छे से पीस चुके हैं। उसको हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और आप इस तरीके से सर्दियों में ये रेसिपी बना के खाओगे तो आपके शरीर की पूरी थकान दूर हो जाएगी। जो भी हड्डियों में दर्द है या कैल्शियम की कमी है वो भी आपकी तुरंत में गायब हो जाएगी। इस तरीके से आप बना के खाओगे तो 15 से 20 दिन भी खा लोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो अब इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर तो ये हमने एक बड़ी चम्मच ले लिया मिल्क पाउडर की, और ये हमने लिया नारियल बूरा तो इसमें 1.5 से 2 चम्मच हम नारियल के बूरा डाल देंगे। तो देख सकते हैं हमने 3 चम्मच इसमें नारियल का बूरा ऐड कर दिए हैं। 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे पिसी हुई शक्कर ले लिए हैं, और ये हमने ले लिए पिस्ता को बारीक कट करके ले लिए हैं, और थोड़े से ले लिए हमने बादाम को बिल्कुल बारीक कट करके ले लिए। इनको सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने जो तिल को आधे तिल बचा के रख लिए थे तो उसको हम इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सा क्रंचीनेस आएगा इसमें मिठाई में और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे दूध, तो क्योंकि हमारी जो बाइंडिंग है जो अच्छे से नहीं हो रही तो आप इस तरीके से दूध डाल के इसको अच्छे से बाइंडिंग कर सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा आप घी को गर्म करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसका डो लगा के तैयार कर लेंगे। और दूध आपको एक साथ बिल्कुल भी ना ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। दूध है जो आप ज़्यादा ऐड कर दोगे तो आपका डो है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा और बिल्कुल गीला हो जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा मिठाई का। और मैं यकीन से बोलूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली, तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करें। तो इस तरीके से हम इसको रोल शेप में दे देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने रोल बना लिया है इसका मिठाई का, और इस सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रेसिपी है। तो इस तरीके से बना कर आप एक बार बना के महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़े से तिल से और इसको गार्निशिंग कर देंगे। आप इस जगह तिल की जगह इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। सर्दियों में तिल में बहुत ज़्यादा गर्माहट देते हैं इस बॉडी के लिए, तो इससे ठंड भी बहुत ही कम लगती है, हमारे शरीर में भी कैल्शियम की पूर्ति और फाइबर और विटामिन इसकी बहुत ही ज़्यादा भरपूर होते हैं इसमें। तो देखने हमने इसको सेट करके रख दिए थे इसको आधा घंटा के लिए, बहुत ही जल्दी सेट भी हो जाता है ये। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है ये। तो इस तरीके से हम सभी को कट कर लेंगे, जो भी आपको मनपसंद शेप में आप कट कर सकते हैं, या आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं या इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी को कट करके रख लिया है, देख सकते हैं। तो देखिए हमारे सभी मिठाइयाँ की जो पीस है जो बनके तैयार हो चुके, बहुत ही हेल्दी है। या आप इसको सुबह शाम एक एक पीस दूध के साथ खाओगे तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और बहुत ही ज़्यादा ताकत भी मिलेगी। तो सिंपल तरीके से हमारी विंटर स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।